जानते हैं जिन्ना को भी थी इंडिया नाम से दिक्कत। जी हाँ, जिस नाम से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, असल में जिन्ना को भी था उस नाम से दिक्कतें। आज हम आपको बताएंगे जिन्ना को इंडिया नाम पर क्या आपत्ति थी, वो इसे भ्रामक क्यों मानते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे, मैं आपके साथ निकिता शर्मा। हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, आपने ये तीनों नाम भारत के लिए इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे। हालांकि आधिकारिक नाम इंडिया ही है, लेकिन अब इंडिया के बजाय सिर्फ भारत नाम करने की मांग जोरों से उठ रही है। पहले भी देश में यह मांग उठ रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बंटवारे के समय पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया नाम पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे गुमराह करने वाला यानी भ्रामक कहा था। इतिहासकार लिखते हैं कि शुरुआती दिनों में ही देश के अंदर इंडिया नाम की वजह से विवाद रहा है। अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य को नाम देने के लिए इंडिया शब्द को चुना था, जो असल में ग्रीक भाषा का शब्द है, क्योंकि यह नाम अंग्रेजों ने दिया था, जो एक औपनिवेशिक दौर की पहचान है। इसलिए संविधान सभा में इसके इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई थी। इतिहासकार जॉन की ने अपनी किताब इंडिया ए हिस्ट्री में लिखा है कि इंडिया शब्द पर कोई विवाद नहीं था, क्योंकि नए मुस्लिम देश के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामिक नाम पाकिस्तान चुन लिया था। जॉन की लिखते हैं कि आजादी के शुरुआती दौर में भारत एक अच्छा नाम था, क्योंकि इंडिया शब्द औपनिवेशिक उपहास से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उनके मुताबिक इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि संस्कृत के पूरे साहित्य में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं किया गया है, न बौद्ध न जैन ग्रंथों में यह नाम पाया जाता है। आपको बता दें, इसके अलावा दक्षिण एशिया में बोली जाने वाली किसी दूसरी भाषा में भी यह शब्द मौजूद नहीं है। जॉन की के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना का यह मानना था कि कोई भी देश ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए इंडिया नाम को नहीं अपनाना चाहेगा। हालांकि उन्हें अपनी इस गलतफहमी का एहसास उस समय हुआ जब आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू की इस मांग को स्वीकार कर लिया था कि उनके देश को इंडिया कहा जाएगा। वे आगे लिखते हैं कि माउंटबेटन के मुताबिक जिन्ना को जब यह पता चला कि वे नेहरू और कांग्रेस पार्टी खुद को इंडिया कहलाने जा रहा है, तो वह बहुत गुस्सा हो गए थे। इस शब्द के इस्तेमाल से उपमहाद्वीप की श्रेष्ठता का एहसास होता है, जिसे पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करता। एक निजी अखबार में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशियाई कानून के प्रोफेसर मार्टिन लाउ अपने इस्लाम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में एक पत्र का हवाला देते हुए, यह पत्र जिन्ना की तरफ से इंडिया के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा गया था। इस पत्र में जिन्ना ने शिकायत की थी कि इंडिया नाम भ्रामक और उलझन पैदा करने वाला है। सितंबर 1947 में लंदन में भारतीय कला की एक प्रदर्शनी लगी थी। माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस प्रदर्शनी का मानद अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया था। लाउ लिखते हैं कि इंडिया नाम इस्तेमाल होने की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। उन्होंने माउंटबेटन को लिखा, दुख की बात है कि किसी रहस्यमय वजह से हिंदुस्तान ने इंडिया शब्द को अपना लिया, जो निश्चित तौर पर भ्रामक है और इसका मकसद उलझन पैदा करना है। आपको बता दें, भारत के विभाजन से पहले भी मुस्लिम लीग की यूनियन ऑफ इंडिया नाम पर आपत्ति जताई गई थी। हालांकि ऐसा क्यों किया गया था, इसका स्पष्टीकरण बहुत कम दिया गया था। सितंबर 1949 को विभाजन के 2 साल बाद, जब भारत की संविधान सभा ने संविधान के मसौदे पर बहस शुरू की, तो देश के हिंदुस्तान नाम पर भी विचार किया गया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में अंग्रेजी संस्करण में इंडिया और भारत का इस्तेमाल किया गया है और हिंदी संस्करण में भारत का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर तौर पर अभी तक इंडिया नाम को वास्तव में किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और मीडिया में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। हालांकि राजनीतिक उतार चढ़ाव के दौरान कई बार इंडिया की बजाय भारत नाम को बरकरार रखे जाने की मांग कई बार उठी। साल 2020 में भी इंडिया में
देश का नाम इंडिया से बदलकर सिर्फ भारत किए जाने की मांग उठी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। आपको बता दें, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा था कि इंडिया नाम ग्रीक भाषा के इंडिक शब्द से बना है, इस नाम को संविधान से हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि अदालत सरकार को आदेश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया का नाम बदलकर सिर्फ भारत रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने कहा था कि संविधान में पहले से ही भारत नाम दर्ज, संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो भारत है। वही आपको बता दें, आजकल इंडिया में एक बार फिर से इस नाम को लेकर जोरों से बहस चल रही है। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब भारत में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भेजे गए रात्रि भोज के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। फिलहाल नाम के मुद्दे पर यह विवाद इंडिया में राजनीतिक तनाव पैदा करने की वजह बन रहा है। अभी यह देखा जाना बाकी है कि इस बार यह ऊंट किस करवट बैठेगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।